हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और अब हम सुबह हो गई है, आज तो सोमवार है, सोमवार का व्रत भी है। आज तो सब ऑफिस भी जाना है सबको, और सभी काम है, मंदिर भी जाना है, पूजा पाठ भी है। सोमवार का दिन है, हम चाय बना लेते हैं और देखिए साथ में आज व्रत का, आज तो खाना भी व्रत का ही बनाना है। और आप लोग व्रत में क्या क्या बनाते हैं हमारे ज़रूर शेयर करिएगा लिख के। और ये हम मिर्चा की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, और ये अदरक है और मरीच, इसको कूच के डाल दिया। सुबह सुबह थोड़ा सर्दी का एहसास होता है तो ये सब अच्छा लगता है पीने में। ये हमारी चाय खोल गई और दूध डाल देते हैं। और एक तरफ कुकर भी लेती चलो, और आलू आलू को भी धो लिया है मैंने, रख देती हूँ बॉयल करने के लिए। एक साइड कुकर भी रख देती हूँ, आलू भी हमारा होता ही चलेगा। और ते मैं चाय भी पी लूँगी। और हमने एक सेट कुकर रख दिया, आलू भी होता रहेगा, तब तक हमारी चाय भी हो गई है। चाय गैस बंद करके चाय भी छान लेते हैं। चाय पीने के बाद आगे का काम करते हैं। और यहाँ हमने चाय पी ली है, अब जो है आगे जो हमने आलू उबाला है उसके लिए तैयारी करते हैं। हमने हरी धनिया लिए, उसको छोटा छोटा काट लिया है धोकर, और उसको अब 2-3 चम्मच धनिया ले लिए हैं। और साथ में हम लेंगे थोड़ी हरी मिर्च, हरी मिर्च भी धो लिया है, उसको साफ करके रख लिया है। और ये थोड़ा सा, एक आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1 इंच समझिए, जितना हमने अदरक ले लिया है। और अब मिर्चे को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, और एक मिर्चा अपने स्वाद अनुसार डालना है। आप कितना तीखा खाते हैं, कितना नहीं, बच्चे को खाना है तो किस हिसाब से डालना है। हम जो है बड़ों के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें से 3 मिर्च जितना काटना है। वैसे भी पूरा यूज़ नहीं करूँगी, और भी चीज़ें बनाने का है, इसलिए इसमें जो है, और हरी मिर्च को हम काट के रख लेंगे। और जो हमने अदरक ली हुई है, जिंजर, उसको हम अच्छे से धो तो लिए ही हैं, अब उसको हम छील लेते हैं। उसको छील लेंगे अच्छे से पूरा, उसमें जगह जगह से निकले निकले होते हैं अदरक, तो उनको साफ़ करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उनको जो है मैं अच्छे से घिसने वाले से अदरक को मैंने घिस दिया है, और अब इसको भी एक प्लेट में निकाल कर सब रख देंगे। और हाँ, अभी तक आपने जो कोई भी सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो है नए नए जो है आप, और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको नई डिशें, आलू रखा है ना उबलने के लिए, उसके बाद हमारा हो गया है। अब उसमें से देखिए थोड़ा ज़्यादा उबल गया है, अब हम इसको एक डिश एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और थोड़ा छेद वाली छन्नी जैसा होता है ना उसमें निकाला है, ताकि उसमें जो भी पानी हो वो निकलता रहे, और मैं रख दूँ इसको ठंडे होने के लिए। और मैंने फ्रीज में देखा कि मुझे फ्रेश घी मेरा ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया लाने का मार्केट से, तो मैंने फ्रीज में देखा कि मलाई पड़ी हुई है। मैंने सोचा साथ में रख देते हैं उसको मलाई होने के लिए भी, और एक बार ये दूध भी, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, साथ साथ में टिफ़िन भी तैयार करना होता है, दूध की रोज़ की चाय है, दूध गर्म करना, एक्स्ट्रा भी चीज़ें बहुत होती हैं साथ में। तो हमने एक भगोना ले लिया, और साथ में दूध भी सोचा गरम कर दूं, तो उसको भी पैकेट से निकाल के एक साइड में गरम होने के लिए दूध को भी रख देते हैं एक आंच एक गैस पे। और जो मलाई है उसको हम धीरे धीरे आँच पे करते रहेंगे, और उसको ना बीच बीच में चलाना बहुत पड़ता है, वरना नीचे लग जाता है।
और आप जब धीरे धीरे आंच पे बनाते हैं और कंटिन्यू जब हिला के बनाते हैं तो अच्छा से एक मावा उसमें निकलता है, मावा यानी खोआ जैसा। और ये देखिए एकदम थोड़ी सी हमारे पास मलाई थी, लेकिन फ्रेश घी कम से कम मिल जाएगी हमें, तो हमने इसको यूज़ कर लिया और जो है व्रत में खाने लायक। बाकी मैंने देखा शायद ख़त्म हो चुका था, ध्यान ही नहीं आया। और ये देखिए हमारी घी कितने अच्छे से हो रही है। और इसकी रेसिपी आपको पूरी मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे गीताज वर्ल्ड में, आप और उसे देख सकते हैं। और मैंने उसे एक साइड में हटा के रख दिया, और जो आलू ठंडा होने के लिए रखे थे अब उसको हम लेके छील लेते हैं। और छिलने के बाद अभी सोचते चल रहे हैं कि इसका पराठा बनाएं, या तो लेट हो रहा हो तो खाली इसकी भुजिया बना देते हैं, ये सारे मसाले जो रखे हैं उसको डाल के। पर एक 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 कंटिन्यू छिलते तो पहले चलें, आगे जैसा समय होगा उस हिसाब से काम करने का। फिर मैं आलू जब छिलने लगी तो साथ में देखा कि, और जो है यहाँ पे हम यहाँ पे टाइम देखे कि टाइम मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है, तो मैंने सोचा इसका सिंघाड़े का पराठा ही बना देते हैं, ऐसा जो आलू उबला हुआ है। और आलू ने थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया है, तो मैं यहाँ पूरे आलू का नहीं बनाऊँगी, आलू का पराठा सिंघाड़े का। तो मैंने या एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम जो घिस के आलू रखे हैं उसको डाल लेंगे, और इसमें जो है मिक्स करेंगे सभी चीज़ें। और यहाँ पे हमने जो हरी मिर्च धनिया जो काट के रखी उनको हम यहाँ डालेंगे। और सबसे पहले हमने इसमें धनिया डाल दी है, छोटे छोटे जो काट के रखी हुई है ना, वो पहले से ही निकाल के रखे थे, उसको मिक्स कर देते हैं। और साथ में हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालना है कि कितना इसमें करेंगे। हमने थोड़ा ही डाला क्योंकि मैं थोड़े ही आलू का बना रही हूँ सिंघाड़े का पराठा। और यहाँ पे जो अदरक घिस के रखे थे वो डाल दिए हैं, और साथ में हमने जीरा डाला है। और जीरा को आप स्किप कर सकते हैं, जो लोग जीरा नहीं खाते हैं वो लोग ना डालें, हम लोग डाल के खाते हैं, इसलिए हम डाल दिए हैं। और यहाँ पे जो हम सिंघाड़ा है ना, सिंघाड़े का आटा एक बाउल जितना हमने इसमें डाला है, और 100 ग्राम के आसपास समझिए, 100 ग्राम के आसपास है। 3 बड़े आलू में हमने मिक्स किया है, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे हमने सीधा नमक का यूज़ किया है क्योंकि व्रत में खाना है। और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये अच्छे से मिक्स करना है। और हमें ध्यान रखना है कि बहुत गीला ना हो जाए, क्योंकि मेरा आटा आलू थोड़ा गीला था, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, ओवर कुकिंग हो गई थी उसमें, ओवर कुक हो गया था। और हम इसमें थोड़ा सा मर्चा ग्रीन चिली जो ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि व्रत के खाने में ना अपने काली मिर्च का स्वाद अलग ही आता है, और वैसे भी काली मिर्च का स्वाद अच्छा लगता है। तो हमने उसमें थोड़ा काली मिर्च भी डालकर कूट के मिक्स कर दिया, और अच्छे से एकदम मिक्स करके एक साइड रख दिया, और गैस जलाया, गैस पे तवा रख दिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, पराठा जैसा बनाने के लिए हम बेलेंगे नहीं इसको, क्योंकि बस ऐसे हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद उस जो हमने बांध के रखा है आलू और सिंघाड़े के आटे को, हाथ पे ही उसकी टिक्की नहीं पर उससे बड़ा सा थोड़ा हम एकदम रोटी जैसा हाथ पे ही करके बनाएंगे, और हाथ पे बना लेंगे, और फिर बाद में तवा पे ही हम तेल डाल देंगे। और यहाँ तवा पे हम तेल अच्छे से लगा देंगे, और हाथ पे टिक्की जैसा जो बना कर रखा है छोटे छोटे पराठे, छोटी साइज में पराठे, उनको हम एक एक करके तवा पे रखना शुरू करेंगे। और ये तवा जो एक बार बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एकदम लो आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे रख के इसको पकाएंगे, और एक 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 रखेंगे उसको, और हाथ पे ही हम ऐसे करके कर रहे हैं। और देखिए ये चारों तरफ से डाल के घी, इसके ऊपर तेल डालिए, घी डालिए, दोनों चीज से बनेगा। और साथ साथ में वापस जाना है तो पता था दूध भी छान के देते कर रहे हैं, तो साथ में वो भी काम होता चले। तो वो मेरे को पता ही है, हर हाउस मेकर से भी हमको पता ही होता है कि कई हाथ करने पड़ते हैं सुबह सुबह, एक तरफ सेकती चल रही है, एक तरफ दूध देती चल रही है, और दूसरी तरफ जो घी रखा है वो भी हमारा ठंडा हो चला है, उसका भी ध्यान रखना है। और ये देखिए दोनों साइड से पलट पलट के कर लिया है, और अभी जो घी है हमारा ठंडा हो चुका है, उसको भी अब हम छान लेंगे।
और हमारा घी भी तैयार हो जाएगा, यूज़ करने लायक हो जाएगा। और ये देखिए कितना सुंदर इसका मावा का कलर आया है, ये हम अच्छे से इसका हम कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए इसका कलर, और कितना अभी भी हमारे कढ़ाई में अच्छा खासा घी है, और हम जो है इसी में ये देखिए इतना घी निकला है, उतनी सी मलाई थी और उसमें हमारे कम से कम एक बाउल जितना करके घी निकला है। अब इसमें हम दो तीन चम्मच, और इसी कढ़ाई में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है घी बनने की, हम इसी में जो है अपना सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लेती हूँ। और वो घी था उसी में डाला, और अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा और घी डालेंगे। और एक बात है, हाँ, जैसे आप अगर आधा एक बाउल सिंघाड़े का आटा लिया है तो उतना ही घी लगता है, उतना ही चीनी लगेगी, क्योंकि इसमें घी कुछ ज़्यादा लगता है, पर वो ना बाद में सारा घी छोड़ देगा। पर अभी शुरू में तो घी डालना पड़ता है। अभी देखिएगा ये अपने आप अभी कितना लिक्विड सा हो जाएगा, ये देखिए भूजते भूजते इसका कलर अभी आज कितना प्यारा हो गया है, और साथ में सारे घी छोड़ना शुरू कर देता है। शुरू में इसमें घी काफ़ी लगता है, और ये धीमे धीमे आज के इसको आप भूजते रहिए एकदम डार्क ब्राउन कलर में, क्योंकि इसमें हम पानी डालेंगे तो उसके कलर और भी हल्के हो जाएंगे। और ये जैसे भूज जाएगा उसमें हम एक कप जितना ही हमने पानी भी डाल दिया है, और जो है इसको धीमे धीमे आँच पे उसको करेंगे। ये देखिए पूरी कढ़ाई छोड़ दिया है, और अभी तो घी और बहुत सारा ही निकलेगा इसमें से, और चीनी जो है अपने स्वाद अनुसार डालिए। हम लोग मीठा थोड़ा कम खाते हैं इसलिए मीठ थोड़े से कम डालें, वरना तो जितना आटा है उतनी आप चीनी भी रख लीजिए। देखिए पूरा घी छोड़ना शुरू कर दिया, और कितना अच्छा कलर आया, और साथ में मेरे पराठे भी बनके तैयार हो रहे हैं। और कितना, और ये देखिए हलवा ये मैंने निकाल लिया, उसके बाद अभी ये घी, अभी इतना घी इसमें छोड़ दिया, और अभी जब मैं प्लेट में हलवा निकाल के रखा है ना उसमें भी वो घी छोड़ेगा। और एक कढ़ाई हमने ले लिया है, दूसरा सोटे साथ में, अभी टाइम है तो फिर भी तल देते हैं। हमारे पास छोटे से बैठक पड़ी हुई थी तो हमने उसको भी कढ़ाई रखा, तेल गरम किया और उसमें वेफर्स सारे तल लिए, और इनको भी एक दो बार और तल ले, थोड़ा सा और तल लेते हैं, कम लग रहा है हमने का थोड़ा सा और तल ले, किचन में देने के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए साथ में किचन भी तैयार करते चलते हैं, भर लेते एक मिनट में वेफर डाल दिए। और अच्छा इसमें जो है ना नमक पड़ा हुआ है, और चाहे तो ऊपर से आप नमक काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मुझे देर हो रहा था तो मैंने छोटा छोटा हल्का हल्का नमक था और डाल दिया, और पराठा रख दिया, और ये है हमारा हलवा। ये सब ठंडा हो गया, ये सब हम इसमें किचन में भर देते हैं। और हाँ, आप लोगों को ये जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमें अच्छा लगता है आप लोग को कमेंट्स करना, आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करिए। थैंक यू, और जो है देखने के लिए थैंक्स।